under-20 world champion Hima Das पर पर्सनल बेस्ट इनका 22.88 सेकेंड स्टार्ट के लिए तैयार लेन नंबर 5 लेन नंबर 6 और लेन नंबर 4 पर खास तौर से निगाह है अपनी जमा करके रखिएगा ये उठता हुआ शोर लगातार कॉम्पिटिटर्स की हौसला अफजाई के लिए है शुरुआत हुई हिमा दास का थोड़ा कमजोर स्टार्ट हिमा दास ने कमजोर स्टार्ट लिया है लेन नंबर 4 से आगे निकलने की कोशिश कर रही है जाम्बिया की रोडा इस समय सबसे आगे चलते हुए और अब लेन को क्रॉस करके आगे निकल गई है हिमा दास अभी भी अपनी जगह पर बनी हुई पहले 200 मीटर में से आधे से ज्यादा सफर निकल चुका है बिल्कुल एंड में पहुंच गई हिमा दास एक कमजोर स्टार्ट के बावजूद बहुत शानदार उन्होंने फिनिश किया और इसके साथ ही जो गेम रिकॉर्ड है 22.09 उसके आसपास वो जरूर पहुंची ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन मिल जाएगा और सेमीफाइनल में पहुंचकर तकरीबन तय हो जाएगा हिमा दास का क्वालिफिकेशन का बड़ा क्यू लग गया है उनके नाम के आगे 23.42 सेकेंड्स के साथ लाजवाब रिकवरी टीम एक्सप्रेस द्वारा शुरुआत जैसा आपने कहा उतनी अच्छी नहीं थी लेकिन शुरुआत से क्या फर्क पड़ता है अगर अंत बेहतरीन हो थोड़ी समस्या लग रही थी पहले 50 मीटर में हिमा दास को ऐसा लग रहा था इंजोबू और खास तौर से लेन नंबर 8 में जैसेंट लीड ले लेंगी लेकिन जैसे जैसे आखिरी 50 मीटर में जो रफ्तार पकड़ी हिमा दास ने कोई उनको पकड़ नहीं पाए लाजवाब रिकवरी और इतनी आसान सी फिनिश देखिए कितनी दूरी प्राप्त की है बाकी दो रन से अंत में उन्होंने कोई खास कॉम्पिटिशन दिखा ही नहीं और सर्वपाली बैठी जगह बना ली उन्होंने क्वालिफिकेशन ऑटोमेटिक हासिल कर दिया है हीट नंबर 2 से हिमा दास ने 200 मीटर में और ये बहुत अच्छी खबर भारतीय एथलेटिक्स के लिए काफी उम्मीद है इस बार हिमा दास से गोल्ड मेडल 2008 चैंपियनशिप में जीत चुकी है तीन जो ऑटोमेटिक क्वालिफायर्स हैं हिमा दास 23.42 रोडा जो कि जाम्बिया की है 23.85 और उगांडा की जेसेंट